नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज के इस आधुनिक दौर में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जिसमें लोगों की रोजमर्रा की चीजों से साथ साथ हर एक जरूरी काम इंटरनेट के जरिए हो जाता है। लेकिन वो कहावत है ना कि हर चीज के फायदे होते हैं तो वो अपने साथ कुछ नुकसान भी लेके आता है। तो ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया ने आम लोगों की जिंदगी बदल दी है, ठीक वैसे ही इंटरनेट और सोशल मीडिया ने बहुत से नए तरीके के अपराधों को भी ईजाद कर दिया है। जैसे कि आज कल आए दिन आपको ऑनलाइन ठगी की खबरें सुनने को मिल जाती होंगी, तो वहीं अब इन दिनों सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप के जरिए बहुत से युवक युवतियों को फंसाया जा रहा है, जिसे फंसने के बाद या तो उन्हें ब्लैकमेलर्स को पैसे देने पड़ते हैं या फिर अपनी इज्जत। इस बीच लखनऊ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने हनी ट्रैप के जाल में लोगों को फंसाने और ब्लैकमेल कर पैसा ठगने वाले एक गैंग के 5 सदस्यों का पर्दाफाश किया है और उन्हें गिरफ्तार किया है। इसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इसमें हैरत की बात तो यह है कि मामले में पकड़े गए 3 पुरुषों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और वो इसी वर्दी का फायदा उठाकर पीड़ित लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे हेठते थे। लेकिन अब पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए उनको जेल भेज दिया है। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि ये शातिर गैंग पकड़ा कैसे गया और कैसे ये अपने पूरे के पूरे मामले को अंजाम देते थे। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ के थाना हजरतगंज क्षेत्र में एक पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी कि 2 महिलाएं और 3 पुलिस वाले मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे पैसे मांग रहे हैं, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से पूरी तरह से परेशान हो गया है। इस परेशानी से जल्द निकलना चाहता है, नहीं तो उसके सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। तो वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से लिया और सर्विलांस की एक टीम को इस मामले में जांच के लिए लगा दिया। इस दौरान पीड़ित शख्स ने पुलिस को सूचना दी कि 2 महिलाएं और 3 पुलिस वाले कानपुर रोड के पास गाड़ी में उससे पैसे लेने आए हैं। पुलिस ने एक टीम बनाई और सर्विलांस की मदद से पीड़िता के साथ मौके पर पहुंच गई। मौके पर 3 आरोपी पुलिस की वर्दी में थे और उनके साथ 2 महिलाएं भी थी। पुलिस ने 5 को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। पूछताछ में उनकी पहचान पंकज गुप्ता, अतुल सक्सेना और अजीजुल हसन सिद्दीकी के रूप में हुई है। इसके साथ 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जिनका काम शिकार को फंसाना था। तो वहीं इस मामले में पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये गिरोह पेशेवर तरीके से सोशल मीडिया साइट पर अपने आसपास के लोगों को पहचान कर उनसे टेलीफोन पर मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते थे और जिसके बाद जाल में फंसा कर पहले से ही निर्धारित स्थान पर बुलाया जाता था। जैसे ही कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता तो इस ग्रुप में शामिल 2 महिलाएं आने वाले व्यक्ति से अश्लील बातें कर उसके कपड़े उतार लेती थी। ठीक उसी समय साजिश के तहत 3 लोग पुलिस की वर्दी में आ जाते थे और कपड़े उतारते हुए व्यक्ति का वीडियो बनाकर फिर उसे ब्लैकमेल करते थे। तो वहीं इस गिरोह की ओर से बनाए गए सभी वीडियो के जरिए कई बार लोगों से पैसे वसूले जाते थे और मना करने पर वीडियो वायरल करने का मुकदमा लिखने की धमकी देते थे। लेकिन अब इस गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है और ये लोग अब अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेंगे। लेकिन ऐसे लोगों और ऐसे गिरोह से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सतर्कता, क्योंकि अगर आप सतर्क हैं तो आप महफूज हैं। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।